तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी। मैं इस चैनल पे तरह तरह के चैलेंजेस लेकर वीडियोस बनाकर आपको मोटिवेट करती रहती हूँ खुद को बेहतर बनाने के लिए। करती हूँ नहीं करती हूँ, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मेरी वीडियोस देख के आपको मोटिवेशन जरूर मिलता होगा कुछ कुछ ट्राई करने का, लेकिन आपको समझ नहीं आता होगा कि आप कहाँ से शुरू करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते कोई नई वीडियो निकाल लेती हूँ। कभी जर्नलिंग ट्राई कर रही हूँ, कभी जल्दी उठ के देख रही हूँ, कभी चाय छोड़ के देख रही हूँ। तो आपके लिए ये मुश्किल हो जाता होगा सोचना कि आप कहाँ से शुरू करो। मैं ये बताती हूँ कि मेरे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे एक दोस्त का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि यार तेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन इतने हफ्ते जब होते जा रहे हैं तू नए नए चैलेंजेस लेती जा रही है और पूरे करती जा रही है, तो अब तो लग रहा है कि जैसे तेरी गाड़ी निकल ही चुकी है और हम तो कैच कर नहीं पाएंगे और हमसे तो नहीं होगा। तो मुझे सबसे पहली बात तो ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है इस चैनल पे कोई स्टंट दिखाने का नहीं है कि ओ देखा मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, ओ चलो मेरे लिए तालियां बजाओ, ओ कमेंट करो अच्छे अच्छे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तभी होगी जब मेरे लिए हुए चैलेंजेस या मेरी कही हुई बातों से आपकी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़े या मेरे को देख के आपको भी इंस्पिरेशन मिले। तो यही बात मुझे कुछ और लोगों ने भी बोली है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो अपनी जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो कहाँ से शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपनी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, खुद को बदलने की जर्नी कहाँ से शुरू कर सकते हो। तो एक रास्ता तो यही है कि आप जो भी मेरी वीडियो देखते हो चैलेंज वाली या कोई और अगर उनको देख के आपको कुछ ट्राई करने का मन करता है, कोई चैलेंज लेने का मन करता है, तो वो चैलेंज लेना स्टार्ट कर दो। बाकी सारे चैलेंजेस साइड में रखो। मैं कोई भी वीडियो निकाल रही हूँ कोई और चैलेंज के ऊपर या कुछ और भी, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपने जब एक चैलेंज ले लिया तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी चैलेंज पे होना चाहिए। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, वो ये है कि जब आप ये वीडियो देख लोगे तो उसके बाद आप अपनी एक डायरी निकालना या फिर अपने फ़ोन में या कहीं एक सवाल है जिसके जवाब लिखना। वो सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे परेशान हो, जो आपको खुद में पसंद नहीं है और आप चाहते हो कि आप उनको साइड रख दो, रिमूव कर दो अपनी लाइफ से। तो जब आप वो लिखने लगोगे तो हो सकता है आपकी दो तीन कमियां निकले या पूरी लिस्ट निकले, डिपेंड करता है कि आप कितने सच्चे हो, क्योंकि कमियां सब लोगों में होती हैं, बट कौन कितना सच्चा है, कौन कितनी सच्चाई से लिखता है, बस वही एक डिफरेंस है। तो उन सारी कमियों में से, वो सारी चीज़ें जो आपको खुद में चेंज करनी है, उसमें से आप कोई भी एक चीज़ पकड़ो, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो छोटी चीज़ है बड़ी चीज़ है, नहीं और ये क्या चीज़ है चेंज करने वाली, हर चीज़ चेंज करने वाली है अगर आपको उससे दिक्कत होती है। तो वो सारी लिस्ट में से आप एक चीज़ कोई भी चुन लो और उसके बाद उसका चैलेंज प्लान करो और स्टार्ट कर दो कि अब से आपको इतने दिन तक ये चीज़ ट्राई करनी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको भी सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है। आपको अगर लगता है कि जैसे आप में लिसनिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, जब आप किससे बात करते हो तो आप सुन नहीं पाते हो या सुनते नहीं हो और बस बोलते ही रहते हो, तो अगर आपको वो चीज़ भी अपने अंदर चेंज करनी है तो वो भी बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आप पूरे महीने का प्लान बनाओ कि यार मैं चैलेंज लेता हूँ कि अब मैं इन 30 दिनों तक, एक महीने तक, जिससे भी बात करूं, जिसके भी साथ इंटरेक्शन करूं, तो ये बात, ये इकलौती बात ध्यान में रखूं। और सबसे बड़ी बात, जब आपने एक चीज़ पकड़ ली है तो उसको ख़त्म करके मानो, क्योंकि आप ये देखते रहोगे अच्छा वो ये चैलेंज ले रहे हैं, अच्छा मैं ये भी ट्राई कर लूँ, मैं वो भी ठीक कर लूँ, तो ऐसे में आप कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। और अगर आप कोई एक चैलेंज अपना पूरा नहीं करोगे तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार नहीं मेरे बस की तो नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा, सब बकवास है ये वो। लेकिन अगर आप लग के वो चैलेंज जो है, जो आपने पहली बार लिया, उसको कंप्लीट कर लोगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन और बढ़ जाएगा अपने आप को बदलने का, नए नए चैलेंजेस लेने का, और आपकी गाड़ी एक तरह से निकल पड़ेगी। और तभी से जब आप अपने अंदर कोई एक चीज़ चेंज करके देख लोगे ना, वो जो एक्सपीरियंस होगा, वो जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जो पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर होगी, उसकी वजह से ही तब से ही आपकी जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा कि यार ये चीज़ ट्राई करो, वो चीज़ ट्राई करो। आपको लाइफ में जो जो कमियां लगेंगी, आपको लगेगा कि मुझे ये सुधारनी है, क्योंकि आपने अपनी एक कमी सुधार के देखी है।
और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आप कुछ ही दिनों में एकदम से नहीं बदल सकते। मैं अगर 2-3 चैलेंजेस ले रही हूँ और मैं उनमें सफल रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाइफ में, मेरे लिए चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कर सकती, और ऐसा ही आपके साथ भी है। तो कोई भी बंदा कुछ टाइम में परफेक्ट नहीं होता। ये जो जर्नी होती है अपने आप को बदलने की, ये बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। मतलब आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ, आपको फिर भी अपने अंदर बहुत सी चीज़ें लगेंगी चेंज करने को। तो बात यह है कि हमें मज़ा आता है सब चीज़ें चेंज करने में, इसलिए हम करते रहते हैं और ये सब चीज़ें शायद पूरी ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, कोई अपनी एक कमी या कोई एक नई चीज़ है जो आपको ट्राई करनी है, वो पकड़ लो, ध्यान में रख लो। चाहे वो आप लिख के अपनी लाइफ के हिसाब से सोच के बनाओ, मेरी वीडियो देख के बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपने अंदर वो चेंज करना चाहते हो तो बस बाकी सारी चीज़ें आपके आसपास ब्लर हो जानी चाहिए। आपको बस उसी चीज़ पे लग जाना है और एक टाइम पे आपको एक ही चीज़ बदलनी है, क्योंकि तभी आप खुद में कुछ बदल पाओगे। तो आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आई होप आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज या कोई ना कोई चेंज खुद में लाने की कोशिश करोगे। क्योंकि आप कितनी भी वीडियो देख लो, मैं हमेशा वही कहती हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा ही रहता है, बहुत क्लियर है मेरे दिमाग में, आप कितनी भी वीडियो देख लो, किसी का भी ओ वाह वो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, आपके थॉट्स बहुत सारे आएंगे दिमाग में, लेकिन आपके जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको चैलेंज ट्राई करके ही मिलेगा। तो कोई भी चैलेंज ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको निपटा के मानो। और लास्ट में अगर कोई ऐसा चैलेंज है जो आप ले रहे हो या ले लिया है या लोगे आगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानना, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार मैंने ऐसा किया, मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है वो एक स्टोरी है, बट लोग क्या कर रहे हैं और उनको भी मन कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो ट्राई कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, बिल्कुल मत भूलना अपने चैलेंजेस से रिलेटेड, और मुझे भी बताते रहना कि मैं भी अपनी लाइफ में और क्या नए चैलेंजेस ले सकती हूँ। तो ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अगले हफ्ते एक Q&A वीडियो निकालने वाली हूँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पेज को चेक करते रहते हो या फेसबुक पे मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं एक Q&A वीडियो निकाल रही हूँ अगले हफ्ते, जिसमें आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो जो आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, या मुझसे ऐसी कुछ पूछना चाहते हो लाइफ के बारे में कुछ भी। तो इस वीडियो के नीचे आप #Q&A करके अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी सवाल पूछ सकते हो। जितना मज़ेदार सवाल होगा उतना मज़ेदार वीडियो होगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस वीडियो के लिए। मुझे लगा था कि कुछ लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते और जिनको नहीं पता चला होगा, इसलिए मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको दोबारा से बोल रही हूँ कि अपना सवाल आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जल्दी से कॉमेंट में पूछो।